प्रज्ञानं सुप्रदानहि स्थिरचरणिकर व्यापिभिराप्य लोकान् भुक्त्वा भोगास्तविष्ठान् पुनरीशन् सरोद्भाषितान् कामजन्यान् पीडित्वा सर्वान् विशेषान् स्वप्रतिमनभं मायया भोजयन्तो माया सख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्न नतोऽस्मि योगो विश्वात्मा विधिविषयान् प्राश्च भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान् समतिभुवः ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरक्षणयनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्वशोनस्तुलीयः अथर्ववेदी मानव पर विचार करते हैं दो भगवान शंकराचार्य के मंगलाचरण है उसी के ऊपर हम टिके हुए हैं। इस मंगलाचरण में भगवान शंकराचार्य एक बार अधर्व प्रक्रिया को दिखाने भूमि विराकार से लेकर के विराट पुरुष और फिर उसका अपवाद करने के लिए विराट पुरुष से शुरू करके शरीर के अंदर मनुष्य व्यापक कर वो हमें रक्षा करें मतलब और हमारी एकत्व अनुभूति होती है उसकी रक्षा की होता है। किसी भी ग्रंथकार को कोई ग्रंथ को लिखने से पहले उनको ग्रंथ भी लिखने की आवश्यकता क्या है उसका विषय फिर उसका प्रयोजन उसका अधिकारी उसका संबंध को दिखाना। तो यहाँ पे विषय क्या है हम बोलेंगे वास्तविक यहाँ पे आप बताइए प्रयोजन क्या है मुक्ति ये जो मुक्ति के लिए हेतु क्या बनता है ब्रह्म बनता है कि ब्रह्म ज्ञान बनता है मुक्ति के लिए ज्ञान हेतु बनता है ब्रह्म ज्ञान। तो विषय आप प्रयोजन के साथ विषय का जो संबंध अभी जो संबंध दिखाना चाहते हैं परंतु उद्देश्य विषय को आप कहना चाहते हैं ब्रह्म संबंधी ज्ञान को होने के लिए आपको ब्रह्म के बारे में बताना पड़ेगा परंतु ब्रह्म तो पानी का विषय नहीं इसका संबंध कैसा तो वाणी का विषय नहीं होते हुए भी कृष्णों के द्वारा कहे हुए कुछ लक्षण दे लाक्षणिक रूप में प्रतिपादन करते हैं और उस लक्षण को आश्रय करके ब्रह्म हमारी मुक्ति के हेतु नहीं है तो वो तो अभी भी है मुक्ति के हेतु है तत् संबंधी अपरक्ष अनुभूति उससे परक्ष ज्ञान होता है इससे शब्द से परक्ष ज्ञान परक्ष ज्ञान होने के बाद फिर जो है उसके ऊपर विचार करने पर मन निधि दर्शन से हमारे अंदर क्या होता है मोक्ष लक्षणम फलम है ना प्रयोजन क्या है मुक्ति के तरह लक्षित फल ब्रह्म ज्ञान से इष्यतो ब्रह्म ज्ञान से ना शास्त्र प्रकरण युग वो ना शास्त्र से ना प्रकरण से ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान से आपका जो मुक्ति होना है यदि आशंका तब वहां के उसके उत्तर में यहाँ पे कहते कि प्रयोजनवत साधन अभिव्यंजक फल वाला साधन वो साधन ऐसा जो फलशाली है जिस साधन को आप अपनाएंगे वो आपका प्रयोजन को सिद्ध करेगा परंतु अभिधेय संबद्ध शास्त्र ये अभिधेय के साथ संबंध रखता है शास्त्र जो विषय का बना तो उसके बारे में हम सीधा सीधा कथन नहीं कर सकते परंतु तो उसके पहले परोक्ष का उत्पन्न करता है फिर बाद में अपरोक्ष अनुभूति विचार से उत्पन्न होता है आप नया प्रतिमान तो छह इतना काम अभिधेय संबंध संबद्ध मतलब अभिधेय विषय के साथ संबंध होता है कड़कड़ाता है शास्त्र शास्त्र क्या काम करता है विषय के साथ संबंध करता है परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है ठीक है ना आप देखिए इसके ऊपर बोलते हैं
सत्तम मोक्षस्य साधनम ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञानम। ठीक है, आपने सही कहा। ठीक है, कि मुक्ति के लिए साधन है जीव ब्रह्म की एकत्व की अनुभूति। द्वैत काल में एक मानवी को कार्य का एक श्लोक बताया था, वैशरतम च वै नास्ति भेद विचरतम सदा। हम बोलेंगे जिसके अंदर भेद बुद्धि बनी हुई है उसके अंदर बौद्धिक सूक्ष्मता नहीं है। भेद निम्न पृथक बाधा तस्मात ते कृपण स्मृता। ये जो अकाल आया था ना कि ये कृपणा फल है, तब मंत्र को कार्य का कार्य ही ऐसे कृपण कहा। वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं फल चाहने वाले लोग कृपण होते हैं, कर्म करके फल चाहने वाले कृपण हो जाए। मंत्र को कार्य का मतलब भेद दृष्टि वाले कृपण होते हैं। मंत्र को कार्य का बोलते हैं भेद दृष्टि वाले कृपण होते हैं। एकत्र की बुद्धि से एकत्र की दृष्टि से आप मुक्त हो सकते थे। आपने भेद करता कि अद्वैतवादी बने रहे तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार के शास्त्र इस मुक्ति के बारे में कथा क्या सब मुक्ति होना संभव नहीं। यहाँ पे बोलते हैं तस्य जनकम शास्त्र आदि, उस प्रकार के ज्ञान की उत्पन्न कौन करते हैं शास्त्र। पहले परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है, ध्यान रखना शास्त्र अपरोक्ष अनुभूति आपका अंदर की बात है, वो शास्त्र से नहीं होता। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे तस्य जनकम शास्त्र आदि तद भावे न, मतलब जनकत्व भावे न ज्ञान व्यवधान ही न। देखिए परोक्ष ज्ञान से एक अपरोक्ष अनुभूति व्यवधान है मुक्ति में, शास्त्र पढ़ने से मुक्त नहीं हो जाए, एक व्यवधान है बीच बीच व्यवधान है वो अपरोक्ष अनुभूति। इसलिए हम बोलते शास्त्र क्या करेगा हमारे लिए ब्रह्म संबंधित पर ब्रह्म का नहीं ब्रह्म संबंधित ज्ञान उत्पन्न करेगा। ब्रह्म संबंधित जो वर्णन यहाँ पे होता है संबंधित परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा। संबंधो वेदांतानां एव इष्यते तत् कथं अभिधेय संबद्धं शास्त्रादि इति आशंक ब्रह्म विचारम अंतरेण तद ज्ञान जनकत्व अजोगा तद ज्ञान जनन द्वारा विषय संबंध अभिषिद्धि इति आह। कितना सुंदर शब्द लिखा। देखिए फिर भी ब्रह्मणा विषयेण, शास्त्र का विषय क्या है ब्रह्म है ना, ब्रह्म रूपी विषय के साथ संबंध वेदांत नाम वेदांत वाक्य का संबंध होता है। परंतु किसको ब्रह्म वेदांत वाक्य किसको वर्णन करता है, ब्रह्म के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, वो भी किस मुख से वर्णन करता है, निषेध मुख से वर्णन करता है। वेदांतानां एव इष्यते आपका अभिष्ट है वेदांत वर्ण तत् कथम अभिधेय संबंध, आपने जो बोला है विषय के साथ संबंध है वो नहीं, वो तो आपका मुक्ति के लिए हेतु नहीं है। मुक्ति के लिए हेतु कौन है, ज्ञान। तो यहाँ पे क्या करता है वो जो है शास्त्र क्या करता है अभिधेय मतलब विषय के साथ क्या संबंध कराता है, एक परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है। इतना मात्र से काम बनने वाला है। आगे क्या करना पड़ेगा मुक्त हो जाओ। इसके बाद मनन निधिध्यासन के माध्यम से जब तुम्हारे मनन निधिध्यासन के माध्यम से अपरोक्ष अनुभूति होता तब जाकर के आप मुक्त होंगे। अब वो विचार के बिना संभव नहीं है, इसलिए आगे बोलते हैं ब्रह्म विचारम अंतरेण तद ज्ञान जनकत्व अजोगा है ना। श्रवण मात्र से काम होने वाला नहीं है, विचार किए बिना अथवा सुनते समय ही विचार मन में चलता है। परम माता इस बात के विशेष मन ध्यान देते हैं। परम के बारे में बोलते हैं शुद्ध अंतकरण वाले सुनते समय ही शब्द अवगत जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसका विचार उसके अंदर चलता है। इस प्रकार से वो अपने लिए हेतु बन जाता है, मतलब ज्ञान के लिए हेतु। ब्रह्म विचारम अंतरेण तद ज्ञान जनकत्व अजोगा, ब्रह्म विचार के बिना तद ब्रह्म ज्ञान शास्त्र से केवल होने वाला नहीं है। अजोगा तद ज्ञान जनन द्वारा शास्त्र क्या करते हैं उस बात को केवल मात्र को शब्द देकर परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करके अपरोक्ष ज्ञान के लिए मनन निधि ध्यान के रास्ता खोल दिखा देते हैं। ये शास्त्र का उपयोगिता है। ज्ञान द्वारा विषय संबंध सिद्ध, विषय के साथ इस प्रकार से ब्रह्म के साथ शास्त्र का संबंध सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, ब्रह्म जो शब्द का विषय नहीं है तो आप उसको कैसे विषय बनाते हैं, बोलते आपके विचार की अपेक्षा रहते हैं। जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयोजन हो गया मुक्ति और विषय हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान क्या ब्रह्म ज्ञान। तो शास्त्र क्या करते हैं ब्रह्म के बारे में कथन करके तत्संबंधित परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करके आपके लिए मनन निधि के रास्ता दिखा देता है।
फिर अपरक्षानुभूति होने पर प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें बोलते हैं ब्रह्म विचार अंतरिना तद ज्ञान जनक, ब्रह्म विचार के बिना है ना। कई कई बोलते हैं विचार से क्या होता है, आपका अशारता आ जाता है पूरा भाव का। आप देखिए दो प्रकार के, आप देखना किसी भी राजनीतिक दल में दो प्रकार के कैडर होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग कैडर, मतलब कहीं कोई कुछ बोला तो उधर चला जाता, मतलब एक होता है क्या डेडिकेटेड कैडर, मतलब उस सिद्धांत को समझ करके इस मार्ग पर पैर रखा, उसको कोई भी कुछ बोले वो हिलता डुलता नहीं। आप हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि विचार करने से क्या, आप विचार पूर्वक जब इसको ग्रहण करेंगे, आपको कोई कुछ भी बोले आपको मन में निश्चय रहेगा नहीं इस मार्ग को मैंने अपनाया इसे ही मार्ग है। शास्त्र हम कई रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए हमें बोलते हैं कि ब्रह्म विचार अंतरिना तद ज्ञान जनक, अजगर तद ज्ञान जनन द्वारा विषय संबंध सिद्धि, विषय के साथ इसका संबंध सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करके ब्रह्म के साथ शास्त्र का संबंध सिद्ध होता है, ठीक है ना। ये कहना चाहते हैं ये एक विपरीत, इसलिए वह बोला अभिधेय, ये प्रतीक इस पन्न में है अभिधेय संबद्धम शास्त्रम, ध्यान रखना अभिधेय संबद्ध, अभिधेय के साथ संबंध कराना वाला होता है अभिधेय संबद्धम शास्त्रम। पांच नंबर पन्ने में भाष्य है वहां है परंपरा, परंपरा से, क्योंकि आपको पहले परोक्ष ज्ञान होगा विचार करेंगे फिर अपरोक्ष अनुभूति होगा, परंपरा से विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन भगवत भवती, विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला सिद्ध हो जाता है। आगे और यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है आपको पुस्तक में, आपके पुस्तक किसके ऊपर ब्रह्म विचारम अंतरेण, ठीक है नंबर भिन्न हो सकता है ब्रह्म विचारम इति शास्त्रादिश्च वेदांत विचार आत्मकत्वादि इति भाव। शास्त्र क्या करता है वेदांत विचार करने के लिए, यानी किसी वेदांत के साधन ही है विचार, यानी इसलिए बोलते हैं शास्त्रादिश जब वेदांत विचार आत्मकत्व, शास्त्र क्या है वेदांत विचार रूप है, वेदांत विचार रूप है इति भाव नहीं अविचार अविचारितानाम वेदांतानाम अपि ज्ञानं। जब तक आप स्वतंत्र रूप से विचार मनन करने की कैपेसिटी नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। देखिए कितना सावधान देते हैं, हम कितना भी श्लोक याद कर सकते हैं श्लोक बोल सकते हैं परंतु उसको लेकर के स्वतंत्र जब हम विचार नहीं बोलेंगे, मन को जब उसमें लय नहीं करेंगे तब तक अपरक्षण होती है। इसलिए हमें बोलते हैं नहीं विचार नहीं अविचारितानाम वेदांतानाम, जिस वेदांत को वाक्य को लेकर के अभी तक आपने विचार नहीं किया तब तक आपके लिए वो ज्ञान जनकत्व नहीं है, ज्ञान जनकत्व न ज्ञान जनकत्व किम करी विचारितानाम एव। जब विचार करेंगे विचार करने फल ही आप स्वतंत्र रूप से विचार करके आपको जो है मतलब विचार से क्या होता है ब्रह्माकार वृत्ति बनता है, बार 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 स्वरूप संबंध चिंता करने से करता है ब्रह्माकार, ब्रह्माकार वृत्ति मतलब अपनी परिच्छिन्नता से तारात्मता छोड़ता है, अपनी परिच्छिन्नता से तारात्मता छोड़ता है धीरे 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 स्वरूप की जो व्यापकता है वहां पे मन क्योंकि और वो एक बार आपका थोड़ा भी बोध में आ जाए वो निश्चित ही आनंद देने वाला होता है। परिच्छिन्नता में जितना आप स्वार्थ अन्य चिंतन करेंगे उतना दुखी होते रहेंगे, जितना समस्त चिंतन करेंगे सर्वभूत हेत में रहेंगे उतना हमारे अंदर से खुशी होती है, और वो यदि निर्विशेष हो जाए वो तो सुख स्वरूप है, वो अपने आप ही अभिव्यक्त होता है। इसलिए आप बोलते हैं कि अविचारित नाम उससे द्वारा नहीं होता है। उक्तम ज्ञान भक्तिकम उक्तम ज्ञान व्यवहितम प्रयोजनादि शास्त्रादि उपसंहरति, जो कथन किया गया कि प्रयोजन ज्ञान व्यवहित है, आपने क्या मुक्ति भी प्रयोजन के लिए व्यवधान क्या है ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष, परोक्ष ज्ञान होगा शास्त्र से तथा अपरोक्ष अनुभूति व्यवधान बैठा हुआ है। इसलिए आपने बोला कि उक्तम ज्ञान व्यवहितम प्रयोजनादि, जो प्रयोजनादि है ना शास्त्र अधिकारी प्रयोजन संबंध आदि शास्त्र आदि इस प्रकार जो शास्त्र की उपयोगिता उसको अभी हम उपसंहार करते हैं। कैसे उपसंहार करते हैं कि पारंपरेण परंपरा से विशिष्ट संबंध संबंध अभिधेय प्रयोजन भवति, विशिष्ट संबंध फिर उसका विषय फिर उसका प्रयोजन ये यहाँ पे शास्त्र दिखाते हैं। यहाँ पे तत्र संबंध ब्रह्म ज्ञान शास्त्रादीना जन्म एव इति अजोग व्यवच्छेदात् उक्तः, अजोग व्यवच्छेदात् उक्तः। ये देखना है वहाँ पे भगवद गीता की क्लास में बोल रहे थे, क्या बोला था ये जो एवकार होता है एवकार का तीन के साथ अन्वय होता है, या विशिष्य के साथ अथवा विशेषण के साथ अथवा
क्रिया के साथ अन्वय होता है। तो जब वो क्रियापद के साथ अन्वय होता है तब उसको अत्यंत अजोग व्यवच्छेद क्रियापद के साथ नील उत्पल भवती आगे हम टिप्पणी में बोलेंगे। जब जब क्रियापद भवती के साथ अन्वय या भवती एव तब जब क्रियापद के साथ एव का अन्वय होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद अत्यंत अयोग मतलब इसका हो नहीं सकता ऐच भाव उसका व्यवच्छेद मतलब निषेध उसका निषेध करते हैं। उत्पल सफेद होता है लाल होता है कमल लाल होता है सफेद होता है नील रंग का नहीं होता है। इस प्रकार की यदि किसी के मन में शंका उत्पन्न हो नीलोत्पल भवती एव नीलोत्पल होता ही है वो भी होता है अत्यंत अयोग नील के साथ कमल का संबंध नहीं होता। इस प्रकार शंका के निषेध करने के लिए जो एव का रहता है उसको होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। ये हो गया आपका क्रियापद के साथ अन्वय नियम। जब आप विशेषण के साथ अन्वय करेंगे तब उसको बोलते हैं अयोग व्यवच्छेद। विशेषण शंख पांडुर एव मतलब सफेद रंग के बिना और शंख दूसरा होता ही नहीं है। शंख पांडुर एव तीन नंबर टिप्पणी को देखिए तीन नंबर टिप्पणी हमारे पुस्तक में जो तीन नंबर टिप्पणी में अयोग व्यवच्छेद ठीक है ना हाँ वहाँ पे देखिए अयोग व्यवच्छेद तीन नंबर टिप्पणी मिला आपको पुस्तक में उसी में देखिए आप नीलाब्जं भवत्येव पार्थ एव धनुर्धर शंख पांडर एव एव शैल एव शब्द त्रिगति त्रिधा ठीक है। देखिए नीलाब्जं भवत्येव पार्थ एव धनुर्धर शंख पांडर एव शैल एव शब्द गति त्रिधा एव शब्द का तीन गति क्या है देखो नील अब्जम भवती एव अपने आप अन्वय करके दिखा रही है एव के साथ कहाँ अन्वय कर दिया भवती के साथ अन्वय कर दिया एक ये क्रियापद के साथ अन्वय भवती क्रियापद है बुधा दूसरे पद में एक क्रियापद फिर पात्र एव धनुर्धर एव का अन्वय किसके साथ किया नाम के साथ किया विशेषण पात्र के साथ किया मतलब अर्जुन जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं अन्य निषेध इसको बोलते अन्य जोग व्यवच्छेद धनुर्धारी में माने पात्र इसको बोलता है ना अजोग व्यवच्छेद होता है आपका विशेषण के साथ और जो विशेषण के साथ होता है अन्य जोग दूसरे के साथ जोग होने का निषेध करता है। धनुर्धारी में पार्थ के समान कोई नहीं है उसका निषेध करते हैं इसके अन्य देखिए अपने आप बोलेगा इसका व्याख्यान अपने आप करते हैं और शंख पांडर एव ये विशेषण ये जो रंग सफेद सफेद फूल यहाँ पे विशेष कौन है विशेषण कौन है सफेद फूल हो गया विशेष अब सफेद के साथ आपका अन्वय हो रहा है पांडुर एव शंख पांडुर एव शंख सफेद ही होता है सफेद सफेद ही शंख पांडुर एव शायद एव शब्द गति त्रिधा इस प्रकार एव शब्द का तीन प्रकार से अन्वय करके अर्थ किया जा सकता है। कहाँ पे कौन सा है वो दिखाएं दिखाएं ब्रह्मसूत्र में आएगा इसको ध्यान रखना तो आपको ब्रह्मसूत्र के अध्याय में आएगा तत्र आप इसका व्याख्यान करते हैं विशेषण संगतस्य एवकारस्य अयोग व्यवच्छेद अर्थ मिला आपको। विशेषण के साथ जब एव का अन्वय होता है तब उसको क्या बोलता है अयोग व्यवच्छेद। इसलिए मैं वहां से शुरू करता हूँ याद रखने में सुविधा होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद अयोग व्यवच्छेद अन्य योग व्यवच्छेद अत्यंत हटा दे मतलब एक हो गया क्रियापद के साथ अत्यंत अयोग व्यवच्छेद विशेषण के साथ अयोग व्यवच्छेद और विशेष्य के साथ अन्य योग व्यवच्छेद ठीक है ना। ये तीन प्रकार से हम इसको हमने याद करते समय तो ऐसे टेक्निक अपनाया था तो वहां भी ऐसे यहाँ भी देखिए तत्र विशेषण संगत स विशेषण के साथ संबंध होकर के जब एवकार दिखाई दे रहे ना एवकार स अयोग व्यवच्छेद अर्थ अयोग व्यवच्छेद मतलब इसके साथ योग और अयोग युक्त तो नहीं हो सकता ये शंका को निराकरण करता है अयोग व्यवच्छेद। विशेषण के साथ अन्वय जब करेगी तब अयोग व्यवच्छेद होगा मतलब ऐसा नहीं हो सकता यदि ऐसा कोई शंका होता है ऐसा ही होता है इस अर्थ में बोलते हैं जो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद विशेष संगत्या अन्य योग व्यवच्छेद ठीक है। जब विशेष के साथ उसका अन्वय होता है तो अन्य के साथ योग को निषेध करते हैं पार्थ एव धनुर्धर धनुर्धारिता में पार्थ के बराबर को दुष्ट को निषेध करते हैं अन्य योग धनुर्धारिता में पात्र से भिन्न के साथ योग का निषेध करते हैं अन्य योग व्यवच्छेद ठीक है व्यवच्छेद मतलब निषेध निषेध
क्रिया सांगत्यस्य जब क्रिया पद के साकार नहीं होगा ठीक है तब जो अत्यंत अयोग्य अवच्छेद है ना किसी का मन में अब उसने के ऊपर सफेद कमल देखा अथवा लाल कमल देखा नील कमल कभी देखा है बोलता नहीं नहीं कमल नील नहीं होता नील उत्पल भवती होता है नील उत्पल भी होता है अब ब्रह्म कमल देखे होंगे ब्रह्म कमल जनरली यहाँ पे तो एक ही दिखाई पड़ता है थोड़ा सा क्रीम कलर की ब्रह्म कमल यहाँ पे दिखाई पड़ता है अब वहाँ जाएंगे ना ये जो हेमकुंड साहब एक तरफ इस तरफ आपका घर या इस तरफ आपका वैली ऑफ फ्लावर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इसे कितने प्रकार के रंगों का मल हो सकता है हम यहाँ बैठ करके नहीं सोच सकते मतलब अलग अलग प्रकार के पिंक रंग की ब्लू रंग की प्योर अलग की यहाँ पे जनरल हल्का योर अलग जो केदार काल में मिलता है मम्मू की होगा यहाँ पे ये तीन प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं ठीक है एगो कार के तीन जगह पे नील अब्ज भवति एव पार्थ एव धनुधर शंख पांडर एव एव शब्द गति त्रिधा एक नंबर क्या हो गया एक नंबर हम ये बोलते हैं कि ये क्रियापद के साथ अन्वय अत्यंत अयोग्य अवच्छेद दो नंबर हो गया विशेषण के साथ अन्वय एव कार का तो अयोग्य अवच्छेद और विशेष के साथ अन्य योग्य अवच्छेद ठीक है ना दूसरे को निषेध करने के लिए होता है तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो कि अत्र ये तीन नंबर टिप्पणी हमने पढ़ लिया ठीक है आप यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं क्रिया संगत्यस्य अत्यंत अयोग्य व्यवच्छेदे इति आशयवान आहु इस प्रकार मन में रखते हुए वो कहते हैं यहाँ पे अयोग्य मतलब टीकाकार ऐसे कहते हैं अयोग्य व्यवच्छेद अब इसको समझे मतलब हमने दृष्टांतों को समझा दिया अब दृष्टांतिक में हम समझाएंगे दृष्टांत हमने दे दिया कैसे प्रयोग होता है अब इस पंक्ति को देखिए तत्र संबंध ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना जन्म एव ज्ञानम शास्त्रादिजन्यम शास्त्रजन्यम ज्ञानम ठीक है ना ज्ञान का विशेषण क्या हो गया शास्त्रजन्यम और एव का कहाँ लगाया जन्म के साथ लगाया यानी कि विशेषण के साथ अन्वय किया तो किस 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 इसका क्या अर्थ हो जाएगा अयोग्य अवच्छेद दृष्टांत द्वारा समझेंगे दृष्टांत में घटाने के लिए ये उपाय है ठीक है तत्र संबंध ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना ये जो ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना जन्यम शास्त्र ज्ञानम शास्त्र जन्यम शास्त्र शास्त्र को छोड़ के दूसरा नहीं शास्त्र जन्यम एव ये दिखाने के लिए श्री शास्त्र को बोले आप बोलेंगे क्योंकि हम दूसरे प्रकार से होता है कृत उपास्थि पुरुष चाहे शास्त्र उपदेश हो चाहे गुरु उपदेश हो उपदेश के माध्यम से होता है ये हम लोग केनो परिषद ने देखा इंद्र को विद्या माता स्वयं उमा रूप धारण बैठा कर उपदेश दिया वर्तमान में आप देखना आपको रामकृष्ण परमहंस देव के लिए इतना मात्र भक्त थे सब कुछ थे वदंती में तोता पुरी ने उनको उपदेश दिया फिर वो जो है जीविका का समाधि में चले कृतोपास्थि पुरुष जन्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं ठीक है ना जन्म मतलब कहते हैं उत्पन्न होता है परंतु जो उत्पत्तिशील वस्तु नाशवान होगा तो क्या ज्ञान ऐसा नाशवान है ऐसा भी हमारा मान्यता नहीं है शब्द प्रयोग करने के लिए हम जन्म बोलते हैं परंतु हमारे प्रतिबंध हटाना को उसको करके कौन काम करता है बाकी ज्ञान हमेशा समान रूप से उत्पन्न कई बार दृष्टांत देकर समझे इस चीज को देखो होता क्या है जिस प्रकार हम लोगों ने बचपन में क्या देखता था आकाश नीला है आकाश कटाकार है और वो ज्ञान ही हम जानते थे आकाश क्या नील रंग के आकाश है आकाश जो है हेमिस्फेरिकल है ऐसा हम बोलते हैं फिर बाद में शास्त्रवादी वर्ग के विज्ञान वर्ग हमको पता लगा ना आकाश नीला रंग की है ना आकाश भस्वेंद्र है ये हमारी जो ज्ञान में एक आकाश संबंधित एक अज्ञान और आकाश संबंधित ज्ञान इनमें आकाश का क्या फर्क है ठीक ऐसे ही यहाँ भी है ये हमारी बुद्धि वृत्ति में परिवर्तन होता है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आत्मा पहले भी जैसा था ज्ञान अभी भी वैसा ही है आपने जाना कि नहीं जाना इससे
इसलिए यहाँ पे ये जन्म शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये केवल मतलब बौद्धिक दृष्टि से कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं तत्र संबंध ब्रह्म। दो नंबर की टिप्पणी में देखिए, तत्र सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायम आश्रितो। प्रत्येक वाक्य एक निर्दिष्ट अर्थ का ही बोध कराता है, प्रत्येक वाक्य एक निर्दिष्ट अर्थ का ही बोध करते हैं आश्रित। तत्र इति प्रतीत वाक्य, तत्र से क्या लेंगे, जो प्रतीत शंकराचार्य के वाक्य है उस वाक्य इति प्रतीत वाक्य इति अर्थ। अथवा विषयादि त्रय मध्य आपके पास क्या था, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, प्रयोजन विषय और संबंध, इसको लेकर के विचार हो रहा है। प्रयोजन और विषय में क्या संबंध है, तीन चीज बोला, प्रयोजन हो गया मुक्ति, विषय हो गया ब्रह्म ज्ञान, ये दो शास्त्र साधन का संबंध है। इसलिए प्रयोजन और विषय में क्या संबंध है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि विषय आदि त्रय मध्य, विषय आदि त्रय कौन कर लेंगे, विषय प्रयोजन और संबंध में की बाकी उक्त न्याय एव कार। इस युक्ति के आधार पर मतलब सर्व वाक्य सार, प्रत्येक वाक्य एक निर्दिष्ट अर्थ का ही बोध कराते हैं। एव कार सिद्धवत प्रयुक्त, एव कार को सिद्धवत मान करके तदर्थ विभाग, उसके लिए विभाग को दिखाते हैं। एव कार कैसे कैसे प्रयोग करना से क्या अर्थ होगा वो यहाँ पे दिखाना चाहिए। तत्र मतलब इस विषय प्रयोजन संबंधन अथवा भगवान भाष्यकार की बात में संबंध ब्रह्म ज्ञान शास्त्र देना जन्म, ये संबंध है। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आता है, शास्त्र से आता है। शास्त्र ध्यान रखना, शास्त्र से परोक्ष ज्ञान होता है, शब्द से परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति अंदर के विषय है। इस परोक्ष ज्ञान को ज्ञान जन्म एव इति, ये आपका ये परोक्ष ज्ञान जो जन्म है ना, ये तो नाश हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नुकसान नहीं है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे शास्त्र से क्या ज्ञान उत्पन्न होगा, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नाश भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप ज्ञान अभिव्यक्त होने का शास्त्राधीन एव, शास्त्राधीना एव जन्म इति अन्न योग व्यवच्छेद। देखिए अब क्या बोला, शास्त्र आदेश ही अन्न योग और किसी से नहीं होगा, अन्न योग से शास्त्राधीन एव, शास्त्र से ही, शास्त्र अथवा आदि से क्या लेना है, गुरु वा गुरु शास्त्र आदि से, आदि से इतना ही मात्र, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा, दूसरा किसी से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। कितना भी अकेला साधन कर ले, अंतिम में कोई किसी के मुंह से सुन शास्त्र हो गया विशेष्य, इसलिए विशेष्य के साथ यहाँ पे अन्वय कर दिया, शास्त्र विशेष्य का अन्य से अन्य योग व्यवच्छेद हो गया, समझ में है। एक जगह पे अजोग व्यवच्छेद, एक अन्य योग व्यवच्छेद, एक विशेषण के साथ एक विशेष्य के साथ, इसलिए बोलते हैं अन्य योग व्यवच्छेद विषय अपि दर्शित, विषय भी यहाँ पे दिखाना हो गया, संबंध और विषय, विषय क्या है ब्रह्म, और उससे क्या उत्पन्न होता है ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष, इस प्रकार से प्रयोजन विषय और संबंध, प्रयोजन हो गया मुक्ति, विषय हो गया आत्मज्ञान, और इससे इन दोनों संबंध क्या था, शब्द साधन शब्द साधन। हम हमेशा बोलते हैं यदि ज्ञान शब्द होगा तो ज्ञान भी अन्य वस्तु के समान अनित्य हो जाएगा, इसीलिए यहाँ का आपको ये मानना पड़ेगा ज्ञान शब्द के परोक्ष ज्ञान के लिए साध्य है, द्वितीय उनसे भिन्न करके संशय में कुछ भी नहीं है, ये शून्य है अथवा शून्य नहीं है, वो केवल है अथवा अकेवल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं ये कैसे कह दूं कि
सिद्ध वस्तु है, साधु वस्तु नहीं जाएंगे। साधु और ज्ञान हमारे बुद्धि में वो निर्भरता है, वो साधु है। बुद्धि की जो इम्प्यूरिटी है उसको हटा, वो साधु है। परंतु ज्ञान का नहीं तो सिद्ध वस्तु। अब क्या बोलते हैं, जब उत्तम प्रयोजन वत्तम तत् अक्षिपति, ये जो आपने कहा कि एक प्रयोजन वाला हो जाता है उसको पर्ण आक्षेप करता है, क्या प्रयोजन है वो, ठीक है ना, क्या प्रयोजन है। इसलिए बोलते हैं जब उत्तम, ये भाष्यकार के द्वारा कहा गया है प्रयोजन वत्तम, ये ज्ञान मतलब प्रयोजनशाली है, इसकी उपयोगिता है इसका, इसके ऊपर आक्षेप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा किम पुनः तत् प्रयोजनम इति उच्यते, मिला भाष्य के प्रतीक को देखना पड़ेगा, ठीक है। किम पुनः मतलब ये तो बताइए इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। यदि प्रयोजन एक नया वस्तु उत्पन्न होगा तब ये प्रयोजन कर्म का भी प्रयोजन में कोई भिन्नता नहीं रहेगा, इसको दिखाने के लिए ईशान का उठा है उसका कहते हैं किम पुनः। तब भाष्यकार बोलते हैं देखिए ये टीकाकार के प्रश्न का बीच अभिप्राय क्या है, प्रश्न का बीच अभिप्राय टीकाकार लिखते हैं साध्यते स्वर्गवत अनित्यत्वम, ठीक है। यदि ज्ञान साध्य होगा ये विचार कर अधिक समय अधिक वस्तु होगा, एक कॉमन लगा देना आपने समझने के लिए। नित्यत्व आज जो ज्ञान नित्य है, साधन अनधीनत्व, यदि नित्य है तो कोई साधन सिद्ध नहीं होगा, तो साधन अधिन नहीं होना चाहिए। यदि साध्य है तो साध्य की तरह अनित्य, यदि सिद्ध है तो साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मंत्र लेने की आवश्यकता क्या है। शंका करने के मन में, कार्य करने वाले के मन में बैठा हुआ नित्यत्व साधन अनधीनत्व शास्त्रादि प्रयुक्त, इसीलिए ज्ञान के लिए शास्त्रादि का प्रयोग होना युक्तिसंगत नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साध्यत्वे स्वर्गवत अनित्यत्व, नित्यत्वे साधन अनधीनत्व न तदार्थिनत्व, उस शास्त्र उस ज्ञान के लिए शास्त्रादि प्रयुक्त शास्त्रादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इति ये हो गया प्रश्न के अंदर छुपा हुआ, उसका प्रयोजन के लिए आपने बोलना था क्या छुपा हुआ है वो बोलना। आप उत्तर देने के लिए हमारे वेदांत का क्या भावना है उसको कह रहे हैं, मोक्षस्य आत्म स्वरूपत्वात् न अनित्यत्व नापि साधन अनित्यत्व। देखिए संक्षेप में उत्तर दे दिया आनंद के लिए प्रश्न का, मोक्ष हमारा स्वरूप होता है, मुक्ति हमारा स्वरूप है, मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, चिदानंद संबंधी विवाह कैसे लेते हैं, फ्रीडम इज योर बर्थ राइट, मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अनुभव नहीं कर पा रहे हो प्रतिबंध बैठे हुए मैं तो मुक्त हूँ, इसलिए हमें बोलते हैं मोक्ष आत्मस्वरूपत्व न अनित्यत्व, मोक्ष हमारा स्वरूप रेखा होने के कारण उसमें कभी अनित्यत्व आने का संभावना ही नहीं है, ना कि साधन अनर्थक, साधन की अनर्थकता भी नहीं है, साधन भी चाहिए क्यों, वो बुद्धि शुद्धि नहीं है, बुद्धि शुद्धि के लिए ये जो बोला दोनों तरफ से दोष दिया था, यदि वो साध्य होगा तब सब तरफ अनित्य होगा, यदि सिद्ध है तो साधन की आवश्यकता नहीं है, तो मोक्ष हमारा स्वरूप होने के कारण वो अनित्य नहीं है, और बुद्धि सिद्धि के लिए साधन की आवश्यकता भी है, सिद्ध हो जाए इसलिए आगे बोलते हैं स्वरूप भूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तक सेकंड पार्ट है ना कि साधन अनर्थक, इसी का अर्थ अपने कर रहे हैं टीकाकार, ये इतना पार्ट सेकंड पार्ट की अर्थ ना कि साधन अनर्थक, इसी का अर्थ अपने आप लिख रहे हैं, स्वरूप भूत मोक्ष स्वरूप भूत जो मुक्ति है प्रतिबंध निवर्तक तेना, वो वहां पे विद्यमान होते हुए उसका जो प्रतिबंध है उसको मिटाने के लिए अर्थवत्त साधन भी उपयोगी हो जाता है। इति उत्तर महर्षि को मन में रखते हुए उत्तर देते हैं उच्यते, सुनो हमारा उत्तर सुनो, वेदांत में मतलब साधन की उपयोगिता करते हुए भी फल में नित्यत्व रह जाता है, फल में नित्यत्व रह जाता है, क्यों, साधन अंतकरण शुद्धि के लिए है, तो जो ढका हुआ था उसका अभिव्यक्ति के लिए तो हमेशा एक ही रूप है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए टीकाकार समझा रहे हैं, भाष्यकार जो कहना चाहते हैं उसको टीकाकार पहले समझा था, देवदत्तस्य ज्वरादीना रोगेण अभिभूतस्य स्वस्थता स्वरूपा अप्रच्यति रूपा स्वरूप भूता एव प्रागपि सति रोग प्रतिबंधा असति एव स्थिता, छोटा छोटा कोमा लगा देना, जथा जैसे देवदत्तस्य, देवदत्त नाम कोई व्यक्ति का कोई बीमार हुआ बेचारा, बुखार आया पेट खराब हुआ कुछ भी हुआ, जरा दीना जरा दी कोई बीमारी से रोगेण अभिभूतस्य, देवदत्त क्या हो गया, अब क्या बोलते हैं मैं बीमार हूँ, क्या बोलते हैं मैं बीमार हूँ, यही बोलते हैं, ठीक है ना, तो रोगेण अभिभूत
बीमारी को बोलते हैं, फिर ठीक हो गया क्या बोलेगा? स्वस्थ स्वस्थ। तो आप देखिए, आप जिस समय वो विमान अपने को बोल रहा है उस समय देवदत्त ही था, शारीरिक कुछ कमी को वो अपने ऊपर आरोप करके बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ। अब बीमार चला गया तो बोलते हैं स्वस्थ, मैं सौम्य स्थित हूँ, मैं सौम्य स्थित हूँ। उसके समय कहाँ पे था? बीमार स्थित था मैं, विमान को बीमार भी लगा दिया था तो बीमार स्थित हो गया था। आप कहाँ पे लगा दिया? अपने स्वस्थ। स्वस्थता मतलब कहते हैं स्वस्मिन स्थित स्वस्थ, और उसके भाव को बोलते हैं स्वस्थता। स्वस्मिन स्थित स्वस्थ कस्य भाव स्वस्थता, इसलिए हमें बोलते हैं कि यथा देवदत्तस्य जरा देना रोगा देना अभिभूतस्य स्वस्थता, ठीक है ना, स्वरूपात् अप्रच्छति रूप। स्वस्थता मतलब क्या है? अपने स्वरूप से अप्रच्छति, नया आपका रूप चला गया, नया वस्तु उत्पन्न हुआ क्या? कुछ जो हमने अपना रखा था वो निकल, इतना ही। यहाँ भी ऐसे ही है, ये बीमारी है। क्या बीमारी है? इस शरीर में, शरीर को मैं समझना। बीमार तो शरीर को लेकर के स्वस्थ भी कहाँ बोलते हैं? वो तो दृष्टांत तो दृष्टांत को थोड़ा ये देखिए, जब शरीर की बीमारी और शरीर की स्वस्थता, परंतु स्वस्थ शब्द का विपरीत अर्थ क्या है? स्वस्मिन स्थित स्वस्थ। जिस समय बीमार होता है वो शरीर के ऊपर तारात्म्य करके बोलते हैं कि शरीर की बीमारी को मैं बीमार हूँ। अब शरीर मतलब बीमार हट गया तो मैं स्वस्थ हूँ। अब यहाँ भी ऐसी बीमारी है, मैं शरीर को आश्रय करके बोलता हूँ कि मैं जी। अब जब ज्ञान होता है तब क्या होता है? मैं स्वस्थ हूँ, मतलब मैं अपने स्वरूप को मैं समझ गया। इस प्रकार से यहाँ पर, इसीलिए आपका नया कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ जो नाशवान है, जो नाश होने योग्य है। इसीलिए हमें बोलते हैं यथा देवदत्तस्य जरा देना रोगेण रोगेण अभिभूतस्य स्वस्थता स्वरूपात् अप्रच्छति रूप। स्वरूप से अप्रच्छित अवस्था, स्वरूप भूता एव, स्वरूप भूति है। और जिस समय आप बोल रहे थे मैं बीमार हूँ, उस समय भी आप देवदत्त ही थे, देवदत्त ही थे। इसलिए हमें बोलते हैं स्वरूप भूता एव प्रागपि सती रोग प्रतिबंध। आप उस समय क्या हो गया? रोग के द्वारा मन थोड़ा प्रतिबंधित हो जाने के कारण मैं मनुष्य मतलब बीमार, ये अपना स्वरूप भाव को आपको समझ में, मैं बीमार हूँ ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रागपि सति होते हुए भी रोग प्रतिबंध, रोग के द्वारा प्रतिबंधित होकर असति ही वस्तुता मैं बीमार हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, इस प्रकार की भावना अपने अंदर आता है। चिकित्सा शास्त्र उपाय प्रयोग वशात् का पूरा एक पद है, चिकित्सा शास्त्र उपाय प्रयोग वशात्, चिकित्सा शास्त्र रूपी बीमारी को मिटाने के उपाय के प्रयोग के फलस्वरूप जब आपने चिकित्सा किया। यहाँ भी क्या है? मैं जीव हूँ, ये बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये बीमारी स्थिति है। चिकित्सा वहां पे डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाई दिया, आपका बीमार ठीक हुआ। यहाँ पे जो है गुरु हो गया, डॉक्टर शास्त्र हो गया, डॉक्टर आपको बोलता है नहीं तू मनुष्य नहीं है, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, ये दवाई, ये दवाई। चिकित्सा शास्त्र उपाय प्रयोग वशात्, चिकित्सा शास्त्र में जो उपाय को कहा गया है उसकी देखिए, चिकित्सा शास्त्र उपाय प्रयोग वशात्, आपको दवाई दिया डॉक्टर ने परंतु आपने दवाई नहीं खाया, ठीक नहीं हो गया। ठीक इसी प्रकार शास्त्र में जैसा बताया यदि हम उसको अनुसरण करें तो ठीक हो जाए। इसलिए बोलते प्रयोग, उसको पढ़ी थी यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र उपाय प्रयोग वशात् प्रतिबंध भूत रोग अवगमे, मतलब आपने स्वस्थता में प्रतिबंध क्या था? रोग। वो चिकित्सा शास्त्र में भी उपाय का प्रयोग करने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? रोग हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मैं स्वस्थ हूँ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बीमारी क्या है? मैं मनुष्य हूँ, ये सबसे बड़ा बीमारी है, ये हम समझ ही नहीं पाते, हम अपने गर्व मानते हैं, परंतु यही सबसे बड़ा बीमारी है, बीमारी का बीज है ये। फिर उसके बाद तो मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण, जितना भी हम उसको एक एक मंजिल चढ़ाता गया उसका बीज तो ही है मैं मनुष्य। इसलिए बोलते हैं वो प्रतिबंध भूत रोग अपगमे क्षति, उस प्रतिबंध रूपी रोग का मिट जाने पर अभिव्यक्ति, वो अभिव्यक्त हो जाता है, स्वरूप की अभिव्यक्ति हो गया, पूर्णता की अभिव्यक्ति होते हैं। जैसे धीरे धीरे आपका इस परिचय में जैसे आध्यात्म छूटता है ना, तो जो स्वरूप पूर्णता है वो जो पहले से हमेशा ही विद्यमान है वो हमारे समझ में अभिव्यक्त उपाय। क्या हो गया? ये जो आपने उपाय को अपनाया वो
बेकार गया ये बात नहीं है। आप देखिए रोज हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रोज सुबह टट्टी करके निकाल देते हैं, तो आपका खाना बेकार गया है कि नहीं? बेकार बेकार नहीं गया। वो क्या करता है, शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, बेकार नहीं जाता। इसी प्रकार से सात्विक विचार कुछ भी करे अल्टीमेटली ही तो नष्ट हो जाएगा, परंतु क्या करता है हमारी मानसिक पुष्टि बौद्धिक पुष्टि देखे जाते हैं अपना शरीर, वही हमारी मुक्ति के लिए बनते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रतिबंध भूत रोग अपगमे सति अभिव्यज्यते नहि तत्र उपाय वैयर्थ, क्योंकि यहाँ पे जो उपाय बेकार गया ये आप नहीं कह सकते, प्रतिबंध प्रध्वंस अर्थत्व, क्योंकि प्रतिबंध को मिटाने के लिए साधन है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। साधन हम क्यों करते हैं, प्रतिबंध बैठा हुआ प्रतिबंध को मिटाने के लिए साधन है। भगवान नित्य प्राप्त वस्तु है, सर्व पूर्ण परिप्राप्त तत्व है, अभी भी विद्यमान है, ठीक है ना। केवल मात्र हमारी समझदारी की कमी है, वो समझदारी की कमी को मिटाते हैं साधन, यही मतलब। रोग के द्वारा पीड़ित व्यक्ति का रोगार्थस्य, रोग
इवन जैसे रोग निवृत्त रोग मिट जाने पर स्वस्थ हुआ ऐसा कहीं तो रोग हट गया वही उसका स्वस्थता है तथा उसी प्रकार दुखात्मकस्य आत्मन द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता दुख क्यों देते हैं हमको दुख का कारण है भेद बुद्धि सुख का कारण है एकत्व बुद्धि अभी भी बताओ संसार में आप लोग देखे होंगे किस किस पर एक व्यक्ति ऐसा होता है परिवार एक साथ विद्यमान है एक साथ रहता है मिलकर के भाई बहन चाचा का सब मिल कोई एक व्यक्ति ऐसा आया जो उस परिवार में फूट डालता है भेद करता है उस व्यक्ति को लोग अच्छा बोलता कि नहीं बोलता भेद डालने वाले व्यक्ति को लोग अच्छा बोलता कि नहीं बोलता वो दुख का कारण होता कि नहीं होता व्यवहारिक जगत में भी देखिए वेदांत को बोलोगे भेद बुद्धि भेद करने वाले को लोग निंदा करता है भेद बुद्धि निंदनीय है एकत्व बुद्धि एक साथ रहना शक्ति की प्रतीक है आनंद की प्रतीक है ये चीज यहाँ भी लागू होता है यहाँ से ही हम हमारे जीवन में भी यही आया पहले सब मिल के रहते थे एक साथ रहते थे शक्तिशाली रहते थे एक दूसरे के लिए सोचते थे बस बस नहीं और इतना नहीं पड़ेगा इसलिए दुख भर रहा है बीमार इसलिए पड़ता जा रहा है इसलिए बोलते तथा दुखात्मकस्य आत्मन दुख रूप जो स्वरूप अपने को दुखी रूप में मान रहा है इस प्रकार व्यक्ति द्वैत प्रपंच को समझता है दुख का हेतु क्या होगा कि द्वैत प्रपंच को बना के रखना ये दुख का हेतु है द्वैत प्रपंच उपशमे भेद बुद्धि को मिटाओ तब क्या हो जाएगा स्वस्थता तुम अपनी स्वरूप में स्थिर हो सकते भेद बुद्धि तुम्हारी हमारे पास अस्वस्थता है अद्वैत भाव प्रयोजन इस अद्वैत के भेद रहित के भाव यही हमारे शास्त्र के प्रयोजन है भेद रहित द्वैत प्रपंच की प्रतीति होती है ये क्या है द्वैत प्रपंच अविद्या कृतत्व अज्ञान से आया हुआ है अज्ञान भी कहां से आ गया अज्ञान को उपादान भी नहीं जब मैं मतलब बुद्धि उपहित में बुद्धि कहां से आया ये बुद्धि भी अज्ञान का ही कार्य है अज्ञान का जब आपको ज्ञान होगा तो कहां तक आपको मिटाना पड़ेगा कहां तक नाश हो जाएगा बुद्धि हाँ ईश्वर तक नाश हो जाएगा ठीक है ना तो इसीलिए तो उसका अंदर समस्त बुद्धि आ जाता है तो द्वैत प्रपंचस्य अविद्या कृतत्व ये जो भेद दिखाई पड़ते हैं ना अज्ञान के कारण भेद दिखाई पड़ता है विद्या तद उपशमस्य ज्ञान से क्या होता है भेद बुद्धि मिल जाता है इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ क्रिया इसलिए ब्रह्म विद्या को प्रकाश करने के लिए इस ग्रंथ का शुद्ध किया जाता है फिर क्या जाता है ये अभिप्राय करता है अब यहाँ पे प्रतीक कहाँ पे आया उसके बाद तथा अर्थ तो ठीक है एक कार्य देखिए जो भाष्य में आ जाइए फिर दुखात्मक हाँ एक नंबर ठीक है दुखात्मक ठीक है दुखात्मक दुखात्मक मतलब क्या आरोपित दुख विशिष्टस्य शास्त्र बोलते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा आनंदादि खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रेम च विशन्ति आनंदं ब्रह्म इति व्याख्या है ना शास्त्र क्या कहते हैं आनंद से सृष्टि होती है आनंद में स्थित है आनंद में लय प्राप्त करते हैं आनंद में ही एक हो जाते हैं यदि सभी आनंद में है तो हमें संसार में किसी व्यक्ति को कुछ करके देखो वो तो बोलते हैं मैं दुखी ऐसा क्यों जब आनंद से उत्पत्ति आनंद में स्थिति आनंद में लय और आनंद के साथ एक होकर के हम रहते हैं तो फिर भी हम दुख क्यों हैं ये दुख का नहीं है तुम अपने व्यापकता को पूर्णता को भूल गए परिच्छिन्नता से तादाद को करके अपने आप दुखी हो रहा वो हमसे अलग है बस यही दुख शुरू हो गया यह तो दुख शुरू मैं ही हूँ सभी रूप में मैं ही हूँ हमारा पैर में कहीं घाव हो जाए डॉक्टर बोलते हैं कि इसको नहीं काटोगे तो मर जाओ फिर भी सोचते हो कि रहे दो चार दिन देख हम ठीक हो जाए यानी कि एकत्व यदि होगा अपने एकत्व बुद्धि होगा तो हमें दोष होने पर भी दोष नहीं दिखेगा इसी प्रकार से पूर्ण में व्यापक व्यापकता में विराट में यदि एकत्व में बुद्धि होता है तो आपको किसी का दोष नहीं दिखाई ठीक है कोई बात नहीं ईश्वर की सृष्टि जैसे बने बने हमें क्या भेद बुद्धि हमारे दुख के कारण होती है इसीलिए हमें बोलते हैं आरोपित दुख विशिष्ट से अर्थ है ना दुखात्मक आरोपित दुख है आनंद हमारा स्वरूप है दुख आरोपित है
दुख यदि पारमार्थिक होता कभी मुक्ति का अथवा आनंद का आशा नहीं करता। दुख यदि पारमार्थिक होता, ये उपाधिक है, उपाधि हटने से दुख हट जाता है। जल में यदि उष्णता स्वाभाविक होता तो हम कभी जल पी नहीं पाते। जल में उष्णता उपाधि के कारण, आदमी की उपाधि के कारण आता है, वो कुछ देर के लिए रहता है फिर चला जाता है। इसी प्रकार दुख भी हमारी केवल भेद बुद्धि के कारण कुछ देर के लिए दिखाई पड़ता है। ईश्वर के पास भेद बुद्धि मिल जाए तो आनंद में शुभ मान लो। जो सुख आप बोल रहे उपाधि के माध्यम से देख रहे वो तो उपाधि सुख है, परंतु स्वरूप सुख है जो विषय रूप नहीं होता, उस अलग है। इसका प्रतिफल वहां पे होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हो, चेहरा तो आपका ही दिखाई देगा, परंतु बिल्कुल भिन्न वस्तु है, वर्चुअल है। रियल इज बिंब, और जो आपका जो इमेज है वो वर्चुअल होता है। ठीक इसी प्रकार से ये दुख भी वर्चुअल है, प्रतिभाषित है, और आनंद हमारा स्वरूप है। वो दर्पण में प्रत्येक विदेश में कभी कभी देखना है, यहाँ पे मैदान में लगना है, ऐसा ऐसा दर्पण मिलता है। आपका चेहरा स्वस्थ है, दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है, आप इतना सा हो गया, बड़े बड़े दांत हो गया, मुंह इतना हो गया, किस कैसे दिखाई दे रहा है, दर्पण ने ऐसा रखा हुआ। हमारी अंतकरण में दर्पण भी ऐसे विकृत हो गया, इसलिए हमको दुखी रूप में दिखाते हैं। यदि शास्त्र के पास गुरु के पास धीरे धीरे साधन करते हुए वो विकार भाव मन से मिल जाए, मनुष्य तो भाव मन से, मतलब मैं मनुष्य ही भाव तक नहीं जाना है हमको, तब क्या होता है, सुखी रूप भी तो विकार है, सुख रूप भी विकार है, सुख स्वरूप विकार। जब तक सुख ढूंढते रहोगे तब तक सुखी नहीं होगे, दुखी होगे। जब तक हम सुख ढूंढते रहेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे, क्योंकि वो तो विकार है, तुम विकार को ढूंढ रहे। सुख ढूंढना बंद हो जाए, मैं सुख स्वरूप, बस ये भाव धीरे धीरे अंदर है, बस फिर आप सुखी सुखी हो, फिर आप सुखी सुखी हो। इसीलिए आगे बोलते एक नंबर भवती। दो नंबर टिप्पणी है,
जत्र मतलब विद्या अवस्थाया, जत्र ही द्वैतम इव भवति, विद्या अवस्था में क्या हो जाएगा? ठीक है जत्र हमने तीन नंबर टिप्पणी देखा है, अविद्या अवस्थाया, ठीक हमने तीन नंबर टिप्पणी को देखा है, हमने बोला दो नंबर पर दृष्टि के तीन नंबर पे दो नंबर टिप्पणी में ठीक है, जत्र अविद्या अवस्थाया, इस अविद्या स्थिति में द्वैत जैसे प्रतीति होती है उस समय तो हमें दुख होती है, और तीन नंबर टिप्पणी में जत्र तु अस्य सर्वे विद्या अवस्था, एक अविद्या अवस्था एक विद्या अवस्था, दोनों जगह पर जत्र शब्द का अर्थ होता है इस अवस्था में, ठीक है। इधर आ जाइए, फिर टीका में आ जाइए, टीका में कहाँ से पढ़ना है, यथा यथोदित दृष्टांत अनुरोधात आत्मन सद स्वत समुत्खात निखिल दुःखस्य निर्दिशय आनंद एक एकतानस्य अपि स्व अविद्या प्रसुप्त अहंकारादि द्वैत प्रपंच संबंधात आत्मनि दुःखम आरोप्य अहम् सुखम मया प्राप्तव्यम इति प्रतिपद्यमानस्य परम कारुणिक आचार्य उपदिष्ट वाक्योऽर्थ अद्वैत विद्यात द्वैत निवृत्तौ प्रतिबंध प्रध्वंसे स्वभाव भूता परमानंदता निरस्त समस्त अनर्थता च स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति। देखिए एक लंबा पंक्ति चाहिए, अभिव्यक्ति भी एक कार्य है, और जो कार्य से जो अभिव्यक्त हुआ उसका फल भी अभिव्यक्ति ही कार्य है, मतलब अनित्य है, तो उससे अभिव्यक्त जो होगा तो वो भी अनित्य होगा, ऐसा शंका करता है। आपने एक बात क्या बोला, हमारी स्वस्थता आप अस्वस्थ था तो रोग निवृत्ति होने पर स्वस्थता की अभिव्यक्ति हुई, तो अभिव्यक्ति एक कार्य होगा, उस कार्य का जो फल होगा वो भी अनित्य ही होगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे ननु। शंका करने वाला अभिव्यक्तेन एव कार्यत्वेन, अभिव्यक्ति भी एक प्रकार का कार्य होने के कारण तद विशिष्ट अभिव्यक्ति के द्वारा विशेषित हो रहा है जो स्वस्थता, उस स्वस्थता का भी स्वस्थताया अपि तथा तमत कार्यत्वम तो अनित्यत्वम, ठीक है ना, कार्यत्वम तो लक्ष्य के अनित्यत्व, आपने क्या बोले थे स्वस्थता में अनित्यत्व नहीं आता, मतलब स्वस्थता जो अनित्य होगा क्योंकि वो अभिव्यक्त हो रहा है, स्वस्थता अभिव्यक्त शंका नहीं हो रहा है, प्रकाश अनित्य है कि नित्य है, प्रकाश अनित्य क्यों दिखाई